निवास बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये पर्सनल फ्लावर है हमारे। नवंबर लास्ट चल रहा है, अगहन जिसको कहते हैं हिंदी माह में, कार्तिक भी आधा पक्ष समाप्त होने को जा रहा है। ये देखिए पर्सलेन कितने अच्छे फ्लावरिंग दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें देखिए कोई फंगस नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन दिख रहे हैं, यानी नई ग्रोथ हो रही है। और ये पुराने ये फ्लावर भी अच्छे खिले हैं अभी भी, हाँ पहले की अपेक्षा कम है तो। और इधर ये देखिए, ये हमारा पोर्चुल का, तो देखिए इसकी ये ग्रोथ देखिए, ये पुरानी देखिए ब्रांच है, ये इस पे ये नई फुटाव, नई ग्रोथ और कोई भी मिली बग नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये, और इसमें ये देखिए पुरानी ये ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, इसमें नई ये ब्रांच आ गई है। और ये व्हाइट दिख रहा है दोस्तों, ये फ्लावर तोड़ लेते ना उसके कारण है। और देखिए ये नई ब्रांच में ये कैसे कलियां लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये खिली हुई भी हैं, ये देखिए अब कोई रोग नहीं है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है पौधा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ। ये पुरानी ब्रांच एकदम सो गई है, लेकिन रोग नहीं है। ये हम पौधे तोड़ वो फ्लावर तोड़ लेते हैं, इसकी वजह से सफेद रुआ रुआ। और यहाँ देखिए नई फुटाव, नई ग्रोथ, और ये फ्लावर देखिए पहले की अपेक्षा थोड़ी छोटे हैं, लेकिन है फ्लावर। इसी तरह कई और पौधे लगे हैं। और ये देखिए पुराना वीडियो मैंने शेयर किया था, पानी में लगाया था, इसकी पुरानी ब्रांच देखिए, लेकिन यहाँ से देखिए नई फुटाव, नई ग्रोथ आ गई है दोस्तों। ये भी पर्सलेन फ्लावर देख लीजिए, कोई फंगस नहीं है और क्या फूल रहे हैं देखिए। नवंबर जाने को भी है दोस्तों, इन सब का राज मैं बताती हूँ कि नई ग्रोथ, कहते हैं ना ठंड में नई ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन मेरे पौधे में ग्रोथ हो रही है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, और पौधा भी स्वस्थ है दोस्तों। तो इसका राज क्या है कि मैं पानी कैसे देती हूँ, कितनी धूप में रखती हूँ, और कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी मैं बताती हूँ फर्टिलाइजर के बारे में। ये इस तरह का आप 1 लीटर पानी ले लो। मैं माह में बस यही है कि बस इतना ये नीम खली 1 चम्मच, बहुत नहीं, 1 लीटर पानी के हिसाब से मैं ये 1 चम्मच ही नीम खली ले रही हूँ, थोड़ा और इतना ही। इसमें नाइट्रोजन बहुत होता है, तो मैं 1 लीटर पानी में इतना ही गोबर की खाद ले रही हूँ, और इतना ही मैं 1 चम्मच ये राख ले रही हूँ। तो दोस्तों गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है, राख प्राकृतिक पोटास और कैल्शियम का काम करती है, फास्फोरस भी होता है। इसी तरह नीम खली भी बहुत अच्छी फर्टिलाइजर होती है। देखिए दोस्तों ये नई ग्रोथ, नए पौधे उसके बाद के लगे हुए हैं, कैसे ये फ्लावर दे रहे हैं, ये देखिए स्वस्थ फ्लावर आज ही मुझे मिल रहे हैं। और कलियों और फुटाव इसका देखिए भरा हुआ, जैसे आज अभी का पौधा लगाए हुए, जैसे ये सीजन में गर्मी और बरसात में होता है। इसी तरह इनमें देखिए ये पुराने पौधे में कैसे सुंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों यही, जैसे मैं 1 लीटर में फर्टिलाइजर बनाई हूँ, इसको छान के मैं अच्छे से पत्तियों और प्लांट में स्प्रे कर देती हूँ दोस्तों, और दूसरा पूरी धूप में रखती हूँ जिससे फंगस ना लगे। दूसरा पानी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, जब लगता है मिट्टी सूख रही तभी मैं पानी देती हूँ, इसलिए इसमें फंगस नहीं लगा है। ये पुराने पौधे ऐसे ग्रोथ, अब दोस्तों हम इसको सेव कैसे करेंगे, जैसे ये नई नई ग्रोथ आ गई है। अभी ठंड तो बहुत पड़ रही है, लेकिन ठिठुरती ठंड, गलन वाली नहीं है, कपकपाती ठंड। तो अभी खुले आसमान में रखे हैं, फिर ये इनको पुरानी ब्रांचों को हम इस तरह पूरा कट कर देंगे, हटा देंगे, स्पेस कम करें, पूरी जितनी है मैं ये ना देखूंगी, ये सब काट करके रख दूंगी फ्री होकर कभी। और इनको किसी बड़े पौधे के नीचे रख देंगे, जहाँ डायरेक्ट इसमें कोहरा ना पड़े और ठंड ना पड़े, तो हमारे पौधे सेफ रहेंगे। लास्ट फरवरी या मार्च से फिर मुझे फ्लावर देने लगेंगे दोस्तों। तो मैं इसी तरह माह में एक बार जरूरी फर्टिलाइजर देती हूँ, बस इतना ही फर्टिलाइजर, थोड़े पानी में और ज़्यादा धूप में ही हमारे पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।